नमस्कार दोस्तों, तो जैसे भी इस पिक्चर में देख सकते Xiaomi वालों ने ऑलरेडी बोल दिया है Redmi Note 13 Pro Plus जनवरी पे इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। और मैंने ये चीज सुना है इसे Pro Plus नहीं आएगा, Pro आएगा और जो नॉर्मल वाला 5G वो भी इंडिया पे लॉन्च होगा। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे कि जो बेस वाला वेरिएंट मतलब जिसका नाम होगा Redmi Note 13 5G, तो ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे इस बार किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, क्या हुआ इसका प्राइस और क्या सेम प्राइस पर में ये जो स्मार्टफोन सबसे बढ़िया होगा या फिर नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं इस बार का जो Redmi Note 13 5G पीछे से दिखने में होगा एग्जैक्टली ऐसा। फोन का थिकनेस है 7.6 मिलीमीटर और वेट है 173 ग्राम और इसके पीछे का जो मटेरियल कांच है कि वो है ग्लास पैक। और ये फोन आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz 10 बिट सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 2160Hz का पीडब्ल्यू डिमिंग रेट, 1000 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले का जो सर्टिफिकेशन उसमें आपको मिलेगा HDR10+ और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। इसका मतलब प्राइस पॉइंट की सबसे इसका जो डिस्प्ले नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा Dimensity 6080 5G प्रोसेसर। कैमरे के मामले में इसमें आपको मिलेगा 100W और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल 3 वेरिएंट पे मिलेगा लेकिन स्टार्टिंग होगा 6 128GB से। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ कोई भी डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 33W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद हमें इसे कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और जिसके साथ हमें मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज, ये जो स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है मैंने ऑलरेडी बोल दिया जनवरी पे आने वाला है। और अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करें तो कहा जा रही कि ये जो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा 15,000 से 17,000 के अंदर। तो अभी हर वीडियो से देखेंगे क्या ये जो स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटर दूसरों का चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम 15,000 से 17,000 के अंदर देखेंगे बहुत सारे स्मार्टफोन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसीलिए हम प्राइस पॉइंट के सभी फोन के साथ कंपेयर करेंगे। पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में Redmi का जो डिस्प्ले नो डाउट सबसे बेस्ट है प्राइस पॉइंट के अंदर। प्रोसेसर की अगर बात करें सेम प्राइस पॉइंट में आपको मिल जाएगा Dimensity 920, Dimensity 1080 जो कि डेफिनेटली Dimensity 6080 से बेटर है, मतलब प्रोसेसर के मामले में एवरेज। कैमरे की अगर बात करें 108 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप बस 2-3 ब्रांड ही आपको प्रोवाइड कर दिया, मतलब कैमरे के मामले में Redmi इधर ठीक ठाक है। वेरिएंट की अगर बात करें बाकी सभी ब्रांड के जैसा 6128GB वही चीज प्रोवाइड कर रहा है। बैटरी और चार्जर के मामले में एवरेज क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट में कुछ ब्रांड आपको 44W 68W ये सब प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए इस मामले में Redmi एवरेज। स्पीकर के मामले में बहुत सारे ब्रांड आपको डुअल स्पीकर दे रहा है, Redmi आपको देगा सिंगल स्पीकर, मतलब इस मामले में एवरेज। और सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल के बारे में बात करें तो सभी फोन के जैसे इसमें भी आपको मिलेगा 2 साल का OS अपडेट, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है, बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले, 100 मेगापिक्सल कैमरा और 5G का कनेक्शन। और ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन अभी इस प्राइस पॉइंट में कोई भी ब्रांड करेंटली आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यही एक्चुअली होने वाला है ये जो Redmi Note 13 5G इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट। क्योंकि 5G के साथ 100 मेगापिक्सल आपको मिल जाएगा, 5G के साथ एमोलेड आपको मिल जाएगा, लेकिन 5G एमोलेड और 100 मेगापिक्सल तीनों का कॉम्बिनेशन कोई भी ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अगर आपको ये 3 कॉम्बिनेशन वाला कोई स्मार्टफोन चाहिए तो प्राइस पॉइंट का 1 एंड ओनली डिवाइस होने वाला है Redmi Note 13 5G। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताने कि 15,000 से 17,000 के अंदर अगले 1.5 महीने के अंदर ये जो नया फोन जो लॉन्च होने वाला है Redmi की तरफ से, तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन रखा है ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।